अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए या न्यूरोसर्जन्स को। तो कुछ बीमारियाँ जैसे कि माइग्रेन, सिरदर्द, स्ट्रोक, एल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस या इनवॉलंटरी हाथ पैर में मूवमेंट्स आना, चल नहीं पाना, ये सारी बीमारियाँ जो है इसका इलाज न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो मूलभूत रूप से इन प्रॉब्लम्स के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे कि दूसरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के कारण खेच आ जाना, बेहोश हो जाना, ऐसा कुछ है, या ब्रेन हेमरेज, या फिर आंखों में ब्लरिंग ऑफ विजन जो कि किसी ट्यूमर के कारण है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है इसके लिए न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना होता है, क्योंकि इन बीमारियों का इलाज सर्जरी से संभव होता है और इनका इलाज न्यूरोसर्जन के द्वारा किया जाता है।